ऋषि हैं जिन्होंने याज्ञवल्क जी से प्रश्न पूछा है कि राम जी कौन है, और जिस प्रश्न के उत्तर में ये कथा हम और आप गा रहे हैं और सुन रहे हैं। जिस भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम कौन है, उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में मेरे राम जी पहुंचे। आप दर्शन करिए,
जैसे मेरे प्रभु भरद्वाज जी के पास पहुंचे आश्रम में, राम जी ने दंडवत किया। यहां भगवान के जीवन से एक बात सीखने योग्य है, यदि आपको अपने श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करना है तो उसको पहले चरणों में उसके झुकना ही पड़ेगा। बिना झुके जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रभु दंडवत किए किसको? भरद्वाज जी को। और देखिए बड़े आनंद की बात, भरद्वाज जी भी जानते हैं कि जो प्रणाम कर रहे हैं ये राम जी ब्रह्म है, भगवान है। राम जी ने दंडवत किया, व्यवहार के लिए भरद्वाज जी ने प्रभु को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर उठाकर हृदय से लगाया है। बाबा कहते हैं मुनि मन मोद न कछु कही जाए। मुनि मन मोद, भरद्वाज जी के मन में मोद भर गया, मानो खजाने की राशि प्राप्त हो गई हो हाथों में। आदर के साथ सुंदर आसन पर राम जी को बिठाया, और आप दर्शन करिए राम जी ने भरद्वाज जी को क्या किया, दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। तो राम जी तो अपना व्यवहार कर लिए, अब भरद्वाज जी सुंदर आसन पर बिठाए, कहे प्रभु आपने अपना कर लिया, अब मुझे अपना कर लेने दीजिए प्रभु। तो भरद्वाज जी क्या किए, पूजे प्रेम परिपूरण कीन्हे। भरद्वाज जी राम जी की पूजा करने लगे। राम जी नर लीला कर रहे हैं इसलिए मुनि को दंडवत किए। और एक बात समझिएगा, स्वरूप नहीं जानते हैं तब व्यवहार छूट जाए कोई बात नहीं, यदि स्वरूप का पता चल गया और उसके बाद व्यवहार में चूक भई तो ये अपराध में श्रेणी में आता है। अब मैं जो कह रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है? एक नाविक था, नाविक नाव चलाता था, उसे नदी के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई पड़ा, इतना बड़ा। बोला बड़ा सुंदर पत्थर है, इसको मैं नाव में बांध के रखूंगा, मेरे नाव की सुंदरता बढ़ जाएगी। वो नाव पर उस पत्थर को, चमकते हुए पत्थर को बांध कर नाव नदी में चलाने लगा, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। उसी नाव पर एक बार एक मोची चढ़ा, जो जूते की जूते का काम करते हैं सिलाई का। उस मोची ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है, ये पत्थर मिल जाए ना इसी पर मैं चमड़ा काटा करूंगा, कितना सुंदर पत्थर है, चमक रहा है। उसने नाविक से कहा कि भाई ये पत्थर मुझे दोगे? तो नाविक बोला क्यों दूं, मैं सजाया हूं। बोला मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। नाविक बोला इस पत्थर के लिए 1000 ये तो बेकार का है, मैं दूसरा पत्थर लगा लूंगा इसके जगह। बोला ले जाओ। 1000 रुपया लेकर नाविक को पत्थर दे दिया मोची को। मोची उस पत्थर को रखा जहां काम करता था और उसी पत्थर पर वो चमड़ा काटता था। एक दिन एक जौहरी उस मोची के पास अपना जूता पॉलिश कराने पहुंचा, तो जौहरी को उस पत्थर को देखते पहचानने में विलंब नहीं भया। अरे तो ये तो कोहिनूर हीरा है ये, और ये मूरख इस हीरे पर चमड़ा काट रहा है। तो उस जौहरी ने कहा मोची से, मोची भाई आप ये पत्थर मुझे दोगे? बोला 1000 में पाया हूं, कैसे दे दूंगा। जौहरी मनी मन हंसा, मूरख है, करोड़ों का हीरा और 1000 में पाया, वो कहता है बहुत दे दिया हूं। उसने बोला मैं तुमको 1,00,000 दूंगा। अब मोची तो पागल हो गया, 1,00,000 इस पत्थर का? बोला तुरंत, तुम विनोद तो नहीं कर रहे हो? अरे अभी लो पैसा। मोची 1,00,000 रुपया दिया, लिया
और उसको पत्थर दे दिया। वो एक बड़े से कपड़े में कि कोई देख न ले पोटली बांध कर भगा घर जौहरी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि करो एक करोड़ नहीं करोड़ों का हीरा 1,00,000 में लिया हूं, इससे अधिक लाभ क्या होगा। घर पहुंचा जाकर पत्नी को बताया और उत्सुकतावश जैसे कपड़ा खोलकर दिखाने गया तो क्या देखता है, वो हीरा टुकड़े टुकड़े में बट गया था। अब जौहरी परेशान कि हीरा तो टूट नहीं सकता, हीरा टूट नहीं सकता, ये टूट गया, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो हीरा ही था, तो हीरा था तो टूट कैसे गया। अब परेशान तो उस हीरे से आवाज आई, जौहरी मुझे दुख इस बात का नहीं था कि उस मल्लाह ने मुझे नाव पर बांध दिया था, क्यों मुझे जानता नहीं था वो, मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि उस मोची ने मेरे ऊपर चमड़ा काटा, क्यों वो भी मुझे नहीं पहचानता था, लेकिन तू तो मुझे पहचानता था ना, तू तो मेरी कीमत जानता था, और मेरी कीमत जानने के बाद भी तूने मेरा मूल्य 1,00,000 लगाया। इस पीड़ा को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और देख तेरे सामने मैं टुकड़े टुकड़े में बट गया। ये कथा कहती है स्वरूप को हम नहीं जानते तब व्यवहार में भूल हो जाए कोई अपराध नहीं, लेकिन स्वरूप जान लेने के बाद भी यदि व्यवहार से हम छूट रहे हैं तो हमारा भला होने वाला नहीं है। भरद्वाज जी राम जी को जानते हैं, इसलिए राम जी ने मनुष्य होने के नाते दंडवत किया और भगवान होने के नाते भरद्वाज जी ने राम जी का पूजन किया। दोनों परस्पर एक दूसरे का आदर और सम्मान कर रहे हैं। बच्चों को आज मैं विद्यालय गया था भैया के, बड़ा आनंद आया वहां के शिक्षक गणों से मिलकर, बड़ा आनंद आया। बच्चों में अपने घर के बच्चों में एक बात भरिए, उनके मन में उनके जेहन में एक बात को उतारिए, क्या जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसे पहले देने का स्वभाव बनाओ। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं पहले उसे देने का स्वभाव बनाइए। कैसे महाराज, आप चाहते हो कि आप जहां जाएं लोग आपका आदर करें, उससे पहले आप लोगों का आदर करने का स्वभाव बनाइए। आप प्रेम करिएगा तो बदले में लोग आपको प्रेम करेंगे, आप आदर दीजिएगा तो दुनिया आपको आदर देगी, और आप बैर करेंगे तो जहां जाइएगा बदले में सिर्फ बैर ही बैर प्राप्त होगा। राम जी ने दंडवत किया, भरद्वाज जी ने पूजन किया, पूजनोपरांत कंद मूल फल लाकर भरद्वाज जी ने राम जी के सन्मुख रखा। प्रभु पाने लगे तो भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी बोले, मुनिवर कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? भरद्वाज जी कहे, प्रभु जीवन में पहली बार कोई सुनने वाला मिला है। ये देखिए बड़ी बड़ी गूढ़ बात, आजकल कोई सुनने वाला नहीं है। तनिक दौड़ाइएगा मस्तिष्क को, घर में कोई सुनने वाला है क्या? सब सुनाने वाले हैं। कौन सुनता है आपकी? बुरा मत मानिएगा, घर में कोई सुनता है? जिसके पास जाइए सब सुनाने के लिए बैठे हैं। जिसके घर वाले सुन रहे हैं वो धरती का भाग्यशाली जीव है, उससे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है जिसके घर वाले सुन रहे हैं। कहते हैं भरद्वाज जी, प्रभु आप सुनने वाले हैं, आपको नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा? राम जी बोले, जो जो कहना है कह डालिए। तो भरद्वाज जी शुरू है, प्रभु आज सुफल तप तीरथ आज सुफल तप तीरथ आज सुफल जप
सफल सकल शुभ साधन साजु सफल सकल शुभ साधन साजु राम तुम भरद्वाज जी कहें प्रभु से कि प्रभु आज तक मैंने जीवन में जितना तप किया सब सफल हो गया, जो मैंने संसार के विषयों का त्याग किया सब सफल हो गया, जितना मैंने जप किया, जितना मैंने दान किया, जितना मैंने परमार्थ किया, जितना मैंने तीर्थ में वास किया, राम जी आज सब सफल हो गया। कैसे हो गया? राम जी बोले एक ही बार में हो गया। बोले प्रभु अभी 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 हुआ। कैसे हुआ? राम तुम ही अवलोकत आजु। प्रभु आपका दर्शन ही जीवन के सभी सत्कर्मों का फल है। इस बात को ठीक से समझिएगा। हम पूजा कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, इसका फल ये कदापि नहीं है कि खूब धन बढ़ जाए। इसका फल क्या है? हमारे भीतर भगवान की भक्ति आ जाए, हमको अकारण संत का दर्शन मिल जाए, हमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, ये किए हुए सत्कर्म का फल है। धन तो उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में है, न कोई छीन सकता है न कोई आपको दे सकता है। मनुष्य को भाग्य के भरोसे कदापि नहीं बैठना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज कर्म बड़ा कि भाग्य? हाँ, दोनों बराबर है, एक दूसरे के पूरक है। आप कहोगे कैसे महाराज? भाग्य में भोजन है। इस समय कितना बजा? 5:05। अगर आज मंगलवार को 31 दिसंबर 2019 मंगलवार दिन सायं 5:05 पर मेरे भाग्य में चाय का ग्लास होगा तो वो सामने आ जाएगा। भाग्य में था, सामने आ गया, लेकिन वो भीतर जाए इसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। क्या? हाथ से उठाकर पीना पड़ेगा। बिना कर्म किए वो भीतर जाने वाला नहीं। भाग्य में था तो आ गया, लेकिन आया हुआ फलीभूत कब होगा? जब हम कर्म करेंगे। इसलिए मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म में लगे रहिए, कर्म करते रहेंगे तो भाग्य में जो है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो आएगा ही आएगा आपके पास। जीवन में किए गए सत्कर्म का फल है हमारे भीतर भगवान की भक्ति आ जाए। अद्भुत बात क्या है? शरण में चले जाना माई बाप, इसमें कोई खतरा नहीं है। शरण में कैसे जाना है? कल आपसे निवेदन किया था मैं, कोई भी व्यवहार करिए तो व्यवहार प्रारंभ करने से पहले भगवान को सौंप दीजिए। प्रभु आपन तेज संहारो, आप जानो आपका काम जाने, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसा नचाएंगे हम नाचेंगे प्रभु, हम नहीं जानते। अवध बिहारी हो आए शरण बिहार। जीवन में किए गए सत्कर्म का यही फल है माई बाप। अकारण हमको संत का दर्शन प्राप्त हो जाए, अकारण हमें भगवान की कथा प्राप्त हो जाए, अकारण हम भगवत धाम में पहुंच जाए, तो समझिएगा सत्कर्म का फल भगवान ने हमको प्रदान कर दिया। भरद्वाज जी बोले प्रभु जीवन के सारे सत्कर्म आज सफल हो गए।
लोग सब्जी लेने जाते हैं ना, मैं आम व्यवहार की बात कर रहा हूं, 2000 की सब्जी क्यों ना लेंगे, लेकिन मुफ्त वाली धनिया जरूर लेंगे। भैया थोड़ा थोड़ा धनिया डाल दो, 50 ग्राम 100 ग्राम। अब देखिए व्यवहार की बात में आता हूं। आप 20 रुपए ले गए बाजार, 20 रुपए की सब्जी ले लिए। अब आपको मिर्चा लेना है, उस मिर्चे के लिए आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जितना था उसका सामग्री ले लिया आपने, वो मिर्चा कैसे मिलेगा आपको बताइए। सब्जी वाला यदि अपनी ओर से कृपा करके दिया तब आपको मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आई ना? भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरे पास जितनी पूंजी थी सत्कर्म की, मैंने जीवन में जितना सत्कर्म किया था उसके बदले में मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। अब मेरी पूंजी खाली हो गई प्रभु, लेकिन अब भी मुझे आपसे कुछ चाहिए नाथ। तो जो अब मुझे चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए मेरे पास देने की सामग्री नहीं है कुछ भी, क्योंकि खाली हो गया हूं। तो जो मुझे चाहिए मिलेगी कैसे? अब आप कृपा करके देंगे तो मुझे मिल सकता है प्रभु। क्या चाहिए? भरद्वाज जी कहते प्रभु अब करी कृपा देहु बर ए प्रभु, अब आप कृपा करके एक वरदान दीजिए। क्या दीजिए? निज पद सर सिज सहज सने हो। प्रभु आप अपने श्री चरण में सहज प्रेम प्रदान करिए। क्या प्रदान करिए? क्या प्रदान करिए? सहज प्रेम, प्रेम नहीं सहज प्रेम। ये सहज प्रेम कौन सी बला है? भरद्वाज जी कहते प्रभु जिस प्रकार मैं श्वास लेता रहता हूं मुझे पता नहीं चलता है, प्रभु उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करता रहूं नाथ और मुझे पता भी ना चले। ये सहज प्रेम, जिस प्रेम में माई बाप कोई बनावट ना हो, वो प्रेम सहज प्रेम है। जिस प्रेम में अपना पराया ना हो वो सहज प्रेम है। जिस प्रेम को करना ना पड़े होता रहे वो सहज प्रेम है। क्यों? जिसको करना पड़ेगा उसके छूटने का भय बना रहता है। आप में से कोई सोते समय सोचता है कि सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा? हम दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते रहते हैं। उसी प्रकार सहज प्रेम करने वाला भी सोया भी रहता है, उसके बाद भी उसका प्रेम होता रहता है। ये सहज प्रेम। भरद्वाज जी कहते प्रभु मैं सहज प्रेम चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कर्म बचन मन छाड़ छल जब लगी जनना तुम्हार तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए कोटे उपचार। कहते हैं प्रभु कर्म से बचन से मन से छल छोड़कर। क्या छोड़कर? छल। छल क्या है? जो दिख रहे हैं वो है नहीं और जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये छल है। कर्म से बचन से मन से छल छोड़कर शंभु भैया चाचा जी, जब तक जीव आपका नहीं होगा प्रभु तब तक करोड़ों उपाय कर ले नाथ, उस जीव को जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। कई लोग मिलेंगे आपको दिन रात बेचैन मिलते हैं। देखिए आज मैं कह रहा था विद्यालय में इस पर ना, इसमें उतना ही डाटा दिया जाए जितना स्पेस है इसमें, ज्यादा भरिएगा ना तो हैंग होने लगेगा वो।
हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। महाराज एक फ्लैट जामनगर में हो गया, एक फ्लैट का एडवांस राजकोट में दिया, सोच रहा हूं एक बंगलो अहमदाबाद में भी ले लूं। अरे कितना लोगे तुम? सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भराना ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या ठिकाना ये जान निकल न जाए, गिनती की है ये सांसे यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसे यूं ही लुटा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल हाँ, इस ओर तेरी मंजिल इस ओर जा रहा है, तुझको घेरा ममता के बंधनों ने आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा, अनमोल तेरा जीवन
है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कैसे गंवा रहा है। सावधान, जीवन का जो एक दिन चला गया वो दोबारा आपके पास लौट कर आने वाला नहीं है। सावधान। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु जीव छल छोड़कर जब तक आपका न हो जाए तब तक कितना भी उपाय कर ले उसे सुख मिलने वाला नहीं है। आपका हो जाए कैसे पता चलेगा, जब घर वाले बाहर वाले कहने लगे देखिए, ये ना कहा जाए कि देखिए शिव सागर जी आ गए, ये कहा जाए देखिए बाबा के भगत जी आ गए, तो समझिएगा आपने अपना काम पूरा कर लिया। जब लोग कहने लगे देखिए भगत जी आ गए, जब लोग आपका संबंध भगवान से जोड़ने लगे तो समझिएगा आप भगवान के हो गए। भरद्वाज जी प्रभु से वर प्राप्त किए, रात्रि में मेरे राम जी तीर्थराज प्रयाग में विश्राम किए और प्रातः काल भरद्वाज जी को प्रणाम करके राम जी ने पूछा, मुनिवर हम किस मार्ग पर जाएं? क्या पूछा? नाथ कहिया हम के ही मग जाही। क्या पूछा? हम किस रास्ते पर जाएं? हम आपसे पूछेंगे कि हम कौन से रास्ते पर जाएं तो आप क्या हमको बताइएगा? बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम कौन से मार्ग में जाएं, आप क्या उत्तर दीजिएगा? सही रास्ता गलत रास्ता नहीं है, मेन सड़क पे जाके एक दाएं मुड़ा है एक बाएं मुड़ा है, हम पूछेंगे किधर जाएं, आप क्या उत्तर दीजिएगा? हाँ कहिए कहिए, हम परमात्मा के रास्ते पे जाएं। बच्चे की बात है, अच्छी बात। हाँ, जब तक ये नहीं पता रहेगा कि हमारी मंजिल कहाँ है तब तक कोई भी रास्ता बताने वाला नहीं है। राम जी मार्ग तो पूछ लिए लेकिन ये नहीं बताएं कि कहां जाना है। अब भरद्वाज जी पड़े चक्कर में कि राम जी रास्ता पूछ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं इनको जाना कहां है। तो इस बात को देखिए कैसे महापुरुष घुमा रहे हैं, जोर से ठहाका मारे भरद्वाज जी, प्रभु आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम है, जिस रास्ते पर चले जाए वही रास्ता आपके लिए अच्छा है। यहां लिखा है सुगम सकल मग तुम कहो आई, आपके लिए सब मार्ग सुगम है। लेकिन यहां एक व्यवहार की बात समझिएगा, घर में हमसे कोई बड़ा है
और दरवाजे पर कोई विशिष्ट व्यक्ति आया तो हमारा धर्म है हम यथा योग्य स्वागत करके दंड प्रणाम करके उनका परिचय अपने बड़े से करा दें, स्वयं नहीं उलझना चाहिए वहां पर, ठीक ना। भरद्वाज जी देखे, राम जी तो ये नहीं बता रहे कि कहां जाना है, हमसे मिल लिए तो क्यों ना इनको मैं अपने गुरु जी के यहां भेज दूं। तो भरद्वाज जी के गुरु जी हैं वाल्मीकि ऋषि। अपने चार शिष्यों को आगे बुलाकर राम जी का मार्गदर्शन करने हेतु देखकर विदा किया।